Okay, next we were having subject enrichment. Control enter 5. Multiple assessment. आप पूरा पूरा नेम लिखोगे. Then we were having portfolio. Half yearly. Control enter 80. Then total. आ रही हो भाई, इसी पे आ रही. हाँ जी, कल यहाँ तक हमने किया था, फॉर्मेटिंग कर ली थी, बॉर्डर्स दिए थे, बैकग्राउंड कलर्स दिए थे. ठीक है, दैट स्टेप्स यू कैन डू इट अगेन. ठीक है, आपको मैंने हेडिंग बता दी है, आप ये सारी चीजें टाइप करके आपको फॉर्मेटिंग लास्ट में दोबारा कर लेना. पहले इतना टाइपिंग कर लो जिस जो बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इतना टाइप करो. हाफ ईयरली फॉर्मेटिंग बाद में करना, अलाइनमेंट्स और कलर्स और बॉर्डर्स जो भी हमने फॉन्ट की फिट फॉर्मेटिंग करी है दैट यू विल डू लेटर ऑन. पहले सिर्फ इतना टाइप करो. मैम फिर से न्यू डॉक्यूमेंट बनाए? जिसका ऑलरेडी बना हुआ है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं बनाया या जिनका कल वाला नहीं मिल रहा उनकी बात कर रहे हैं. ओके हाँ जी, यहाँ तक हो गया. आई एम गोइंग टू टेल यू. डन. हाँ जी दिव्या, रेजा, जसलीन, हो गया. डन. ओके, नाउ दिस इज ओनली फॉर वन सब्जेक्ट. दिस इज ओनली फॉर वन सब्जेक्ट एंड यू आर हैविंग 6 to 7 सब्जेक्ट्स आर देयर. सो यू नीड द सेम फोल्डर, सेम हेडिंग्स ऑन 6 times or 7 times. तो वी व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू द कॉपी पेस्ट. एंड कॉपी पेस्ट के कितने मेथड्स हैं? मैनी मेथड्स आर देयर. वन, शॉर्टकट कीज. सेकंड, एडिट मेन्यू. थर्ड, राइट क्लिक. फोर, ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके, सेलेक्टेड. सेलेक्टेड. उससे पहले एक काम और करना है हमने. बिफोर कॉपिंग पेस्टिंग वी आर सपोज टू डू वन मोर थिंग. नो, क्लिक ऑन इंसर्ट अ न्यू रो. इंसर्ट अ न्यू रो. इंसर्ट टॉप पे सब्जेक्ट लिखना है. इंसर्ट रोज. क्लिक ऑन द फर्स्ट रो. देन क्लिक ऑन इंसर्ट मेन्यू रोज ऑप्शन. रो आ गई. यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट लिख लो इंग्लिश. हाँ, अब इसको बेटा रोल नंबर और नेम के ऊपर नहीं आएगा, पीरियोडिक टेस्ट से लेके टोटल तक सेलेक्ट करके मर्ज सेल्स. सेंटर अलाइन ऐसे नजर आ रहा है? अब देखो नजर आ रहा है? अंडू कर रही हूं, दोबारा कर रही हूं. क्या लिखना है? इंग्लिश. ठीक है, रो में सेलेक्ट द सेल्स. कहां से? यहां से लेके टोटल तक सेलेक्ट हो गया. नाउ क्लिक ऑन मर्ज सेल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार एंड गिव सेंटर अलाइन. डन. जो रोल नंबर और नेम आपके अब आ रहे हैं, एक रो एक्स्ट्रा लग रही है, वहां पे भी हम मर्ज सेल कर सकते हैं इस तरह से. लाइक दिस. अलाइनमेंट्स फॉर्मेटिंग सारी करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको मेथड जो हमने कल नहीं किए वो कर रहे हैं. बिकॉज इफ वी डू द फॉर्मेटिंग नाउ दैट विल बी जस्ट द रेपिटेशन ऑफ द स्टेप्स. फॉर्मेटिंग यू नो नाउ कि हाउ टू गिव द अलाइनमेंट्स और हाउ टू गिव द बॉर्डर्स. एक्सेल में नहीं होती, एक्सेल में जरूरत नहीं, इसलिए ज्यादा होती नहीं है.
मर्ज सेल बटन इज ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार रेजा क्या नहीं शो रहा जस्ट वेट आई एम कमिंग हो गया मर्ज सेल हो गया सबका सुमति का नहीं हुआ क्यों चेक करो रमन क्यों नहीं हो रहा उसका प्रांशी आपका हो गया ओके नाउ वी आर गोइंग टू कॉपी पेस्ट मैं जूम थोड़ा कम कर रही हूँ बेटा फिर सेल्स नजर नहीं आएंगे सेलेक्टेड दोनों सेल को सेलेक्ट करके रोल नंबर वाला और उसके ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करके मर्ज सेल कर दो नेम और उसके ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करके मर्ज सेल कर दो ठीक है कर लो नाउ कंट्रोल सी एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेल जैसे मैं अभी जे के नीचे क्लिक कर रही हूं कंट्रोल वी नाउ दिस इज फॉर द सेकेंड सब्जेक्ट ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया ये सेकेंड सब्जेक्ट अब इंग्लिश पे क्लिक करके यू कैन टाइप मैथ ड्रैग से क्या हो रहा है फॉर्मूला फिल कर लिया पहले कॉपी किसको करना है फॉर्मूला लगाओ पहले ओके लिसन ओके वन थिंग वी कैन डू डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट वी कैन डू सेलेक्ट इट जितने भी आपके पास एक रोल नंबर्स है यू कैन गिव आउटसाइड बॉर्डर लाइक दिस Then you can give the second and cell borders outside border. Select the cells. ठीक है जितने roll number जितनी rows चाहिए select करके cell border outside border. Copy. Control C, Control V. Select it like this. Select हो गया Control C. और एडिट मेन्यू कॉपी ऑप्शन क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट लाइक दिस मैंने यहां पे क्यू पे क्लिक कर रही हूं एडिट मेन्यू पेस्ट ऑप्शन नाउ आई कैन गिव द थर्ड सब्जेक्ट सपोज जी साइंस नाउ यू कैन कंटिन्यू विद ऑल द सब्जेक्ट्स एंड देन यू कैन मेक द ग्रैंड टोटल एंड परसेंटेज तो शीट आपकी काफी बड़ी बनेगी फिर ठीक है ये मेरे कल भी हो गया था आज भी हो गया क्या हो गया क्या हाँ जी कॉपी पेस्ट हो गया
बेटा शिफ्ट के साथ कर लो ना, अगर माउस के साथ नहीं हो रहे हैं शिफ्ट प्रेस करके लास्ट सेल पे क्लिक करो। हाँ जी कॉपी पेस्ट हो गया सबका। टुडे वी आर गोइंग टू यूज द फंक्शन। यस्टरडे वी हैड अप्लाइड द फॉर्मूलाज फॉर डूइंग द टोटल। नाउ आई एम एंटरिंग अ फ्यू नंबर्स हियर। वेट करो फिर। हाँ जी एंटर द नंबर्स। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आउट ऑफ 5? डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5 सो इज इक्वल टू C3 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5। दिस वाज आउट ऑफ 5। आई कैन ड्रैग इट। नाउ एंटर द वैल्यूज। ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फंक्शन। वैल्यूज जल्दी से एंटर कर लो। रेजा आपकी क्या प्रॉब्लम है? ये लिख लिया। हाफ ईयरली के मार्क्स हो गए। टोटल के लिए आज फंक्शन लगाना है। ओके व्हाट वाज द फंक्शन दैट वी यूज्ड इन एक्सेल आल्सो? टोटल करने के लिए क्या फंक्शन लगेगा? इज इक्वल टू सम फर्स्ट सेल एंड देन लास्ट सेल is equal to sum bracket किसका टोटल करना है? 4.5 से लेके PT1 का 4.5 कौन से सेल में है? ये कौन से सेल में है? हाँ जी इधर कौन से सेल में है? ये C3 में 45 है बेटा। मुझे 45 ऐड नहीं करना, 4.5 ऐड करना है। T3 colon कहां तक टोटल करना है? 4.55 4578 H3 आपको ये टोटल करने है ना बेटा, ये सेल्स टोटल करने है ना। तो स्टार्टिंग सेल का एड्रेस क्या है? स्टार्टिंग सेल का एड्रेस क्या है? D3। लास्ट सेल का एड्रेस क्या है? H3। ठीक है तो व्हाट वी हैड यूज्ड इन द सेल इज इक्वल टू सम D3 कॉलन H3। प्लस नहीं लगाना ना, अगर प्लस ही लगाना है तो फिर सम फंक्शन क्यों भी लगा रहे हैं? इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्टिंग सेल एड्रेस कॉलन लास्ट सेल एड्रेस एंड प्रेस एंटर। ठीक है सिमिलरली ऑल ऑफ यू प्लीज लुक हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू प्लीज लुक हियर। आपको टोटल करना है पीरियोडिक टेस्ट 1 का, कि मुझे एवरेज निकालनी है पीरियोडिक टेस्ट मार्क्स। जैसे हम एवरेज निकालते हैं आपकी, जैसे 10 में से मैंने बोला 5 आई है या 60% आए हैं, तो वो कैसे निकलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द टोटल। अगर आपको टोटल भी करना है इज इक्वल टू सम। स्टार्टिंग सेल एड्रेस क्या है? आपको इस रेंज का टोटल करना है ना। क्या एड्रेस है? C3 वहां से C12 तक। लास्ट सेल एड्रेस क्या है? C12। तो C3 कॉलन C12 ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो दिस इज द मैम। यस हिरेन मैम जो ऑटो वो लाइन करने के लिए जो फंक्शन था वो कौन सा फंक्शन कहाँ पे है? कौन सा फंक्शन? ऑटो रैप करने के लिए जो रैप खुद जो ऑटो रैप करते हैं वो फंक्शन कहाँ पे है?
रैप टेक्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज में है. ओके मैम. हाँ जी. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज एवरेज ऑफ मार्क्स. तो फंक्शन विल बी एवरेज फंक्शन इज इक्वल टू एवरेज. रेंज वही रहेगी. क्या रेंज है? C3 से लेके C12 तक. ब्रैकेट क्लोज. सभी बच्चों का ऐड हो गया. एवरेज निकालने के लिए क्लास एवरेज निकाल. सम वैसे मुझे सम चाहिए था इसलिए किया. ठीक है. दिस इज 41.05. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे किसी के मार्क्स चेंज कर देती हूँ या मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इंक्रीज कर देती हूँ तो फंक्शन विल ऑटोमेटिकली गेट अपडेट. हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू मैक्स. मैक्स ओनली मैक्स. अगेन ब्रैकेट C3 कॉलन C12. 49 is the highest marks. Similarly, minimum marks. हाँ जी. ये एक्सेल ही है सेम. सिर्फ एक एप्लीकेशन कैलसी है. फंक्शन उसी का वही है. सेम है. 25 is the minimum marks. यस आरजू. नहीं समझ आया? ओके. हाँ जी. सेलेक्ट द कॉलम. एडिट मेन्यू. डिलीट सेल्स. हाँ जी. यहाँ तक आओ. आप डिलीट पे क्लिक कर रहे हो. डिलीट सेल्स पे नहीं कर रहे हो. एडिट मेन्यू में डिलीट सेल ऑप्शन है. हाँ जी. यहाँ देखो. इज इक्वल टू सम ब्रैकेट 45. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? रोल नंबर 1 के मार्क्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 3 से. जो भी सेल एड्रेस होगा आप अपनी शीट पे चेक कर सकते हो आरजू. ठीक है. लास्ट सेल एड्रेस क्या है? यहाँ देखो. मेरा C12 है. ठीक है. देन ब्रैकेट क्लोज. सिमिलरली यू कैन हैव एवरेज मैक्स एंड मिन. ओके. ओके. सेम फॉर्मूलास आई वांट अंडर हाफ ईयरली आल्सो. मुझे सबके नीचे नहीं चाहिए. सिर्फ इसके नीचे और हाफ ईयरली के नीचे चाहिए समरी. तो कॉपी पेस्ट करो यूजिंग एनी वन ऑफ द मेथड. मैक्स C3 कॉलन C12. मैम एक केस सेंसिटिव है. नहीं बेटा. मिन C3 कॉलन C12. ओके. सेलेक्ट देम. कॉपी. कंट्रोल सी. प्लेस इट बिलो इट. कंट्रोल वी. ठीक है. ऑटोमेटिकली उसने सी से क्या ले लिया? एच. सम एवरेज मैक्स मिन. सम एवरेज मैक्स मिन. नाउ यू कैन पेस्ट इट. देखो आपने यहां से कॉपी किया. मुझे तीनों सब्जेक्ट्स के नीचे चाहिए. हर कॉलम के नीचे चाहिए. PT1 और PT हाफ ईयरली का. आई कैन कॉपी इट हियर. नहीं. पेस्ट इट हियर. देन पेस्ट इट हियर. Okay, today we had done two things. One, copy paste ke method. Second, we had done the function sum, average, max or min. Four functions we had done. Now you can do the formatting. Anji, attendance. हाँ जी. हाँ जी बेटा. मैंने PT1 के नंबर्स टाइप किए.
किसके लिए बेटा? मार्क्स जितने आएंगे वो तो टाइप ही करोगे ना, उसके लिए क्या फंक्शन लगाओगे? इज इक्वल टू एवरेज पूरा लिखना है, एवीजी नहीं आना, एवरेज पूरा आना है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? जयति, मितांश, परमीत, सुदीक्षा, नो मैम, आर यू मेकिंग दीज वर्कशीट्स एट योर होम? मैम माय इज डन। यू हैड डन मितांश, इकजोत, जयति आपने बनवाया, परमीत मैम डन हो जाएगी। जयति यू कैन शेयर, अगर आपका हो गया आप शेयर कर सकते हो, अभी क्लास में शेयर करके दिखा सकते हो। मैम एक्चुअली मैं क्लास मोबाइल पे लगा रही हूँ, मेरा कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, ओके, आई एम डूइंग द फॉर्मेटिंग नाउ। ठीक है, यू कैन डू द फॉर्मेटिंग, यू कैन एडजस्ट द सेल्स लाइक दिस। रोल नंबर, नेम आपका बड़ा होना चाहिए, मार्क्स के कॉलम आपके छोटे हो सकते हैं, रोज आपकी इंक्रीज हो सकती हैं। हाँ, मार्क्स सारे सेंटर में, ओनली टेक्स्ट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज नेम। can have the different colors for PT 1 and 5 marks jo aapke add ho rahe hain। टोटल के लिए आप अलग कलर ले सकते हो, बिकॉज सारे टोटल आपको एक बार चेक करके लास्ट में ग्रैंड टोटल करना है। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल के लिए आपके सारे टोटल्स एक कलर में होने चाहिए। अगेन पीरियोडिक टेस्ट 1, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू सेलेक्ट द मल्टीपल सेल्स विच आर नॉन कंटिजियस बाय प्रेसिंग कंट्रोल की लाइक दिस। ये देखो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, यू कैन गिव द सेम कलर in one time only। चार कॉलम्स का हो गया। सिमिलरली आई कैन सेलेक्ट दीज 4, देन आई कैन प्रेस द कंट्रोल की एंड सेलेक्ट दीज 4। आई कैन गिव कलर, सेलेक्ट दिस टोटल, कंट्रोल की, सेलेक्ट अनदर टोटल एंड गिव इट कलर। Now your sheet may look like this। ठीक है, इस तरह से आपकी शीट नजर आएगी अगर फुल करेंगे तो। हाँ, मैंने 3 सब्जेक्ट्स का बनाया अभी। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स में पीटी 1 और हाफ ईयरली ग्रीन कलर है, इंटरनल असेसमेंट 5 का ब्लू कलर में है और टोटल जो है वो पिंक कलर में है। नहीं, सेलेक्ट द सेल आपको बताया मैंने, 1 कंट्रोल की प्रेस की, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, सबको एक ही कलर दे दिया, कंट्रोल की प्रेस की हुई है। ठीक है, क्विक हो जाता है। फाइंड द ट्रिक्स टू डू द वर्क क्विकली, ये नहीं कि अब 7 कॉलम्स है, 7 सब्जेक्ट है, तो हर एक का बार बार नहीं करना है, एक ही बार सेलेक्ट करो सारे, कंट्रोल की प्रेस करके सिंगल कलर दे दो, एक ही बार सबके टोटल सेलेक्ट कर लो एंड गिव द सिंगल कलर। यू कैन एंटर द 1, 2, सेलेक्ट बोथ सेल्स एंड यू कैन फिल इट।
like this. Autofill. Autofill. Similarly, you can have the different cell colors for the summary. You can have different cell colors for the summary. हाँ जी, चेक करो यहाँ तक हो गया, समझ आ गई? कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन करके फॉर्मेटिंग हो रही है। इधर इन्होंने कर लिया, बाकी सबने लक्ष्य कंट्रोल की के साथ सिलेक्ट द मल्टीपल कॉलम्स एंड देन गिव द सेम कलर। फॉर्मेटिंग करो, मैं चेक करने आ रही हूँ। Do the formatting.